अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है दुबई में लेमोजिन बिजनेस के हवाले से, या आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर अगर आप दुबई में फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर अगर आप जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वीजों की। सबको पता है कि पाकिस्तानियों के वीजे जो हैं वो बैन हैं, तो आज बहुत अच्छी एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो दुबई में आना चाहते हैं लेकिन वीजा बैन होने की वजह से दुबई में नहीं आ सकते। तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट देखें ताकि आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन मिल सके कि आजकल क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और वो खुशखबरी क्या है आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आपके वो जो दोस्त अहबाब यहाँ पे आना चाहते हैं दुबई में उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहे। तो काफी अरसे के बाद जो वीजे बैन थे पाकिस्तानियों के, वो अब उनके बारे में कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अच्छी खबर क्या है कि अब अगर कोई बंदा दुबई के अंदर काम कर रहा है, उसने अपनी जॉब चेंज करनी है, एक कंपनी से कैंसिल करके दूसरी कंपनी में जाना है, तो वो हजरात अपना वीजा कैंसिल करके दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। ये तो पहली गुड न्यूज हो गई कि जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते थे उनको अब ऑप्शन मिल गया कि वो अपने कैंसिल करके दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एक चीज फिर उससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर कोई लेमोजिन कंपनी में भी आना चाहता है, दुबई के अंदर है, वो चाहता है कि मैं लेमोजिन कंपनी में आ जाऊं, तो वो भी आके लेमोजिन कंपनी में उसका वीजा निकल आएगा। अगर कोई बंदा ऑलरेडी दुबई के अंदर मौजूद है, वो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है, तो उसकी बात कर रहा हूं, उसका वीजा दूसरी कंपनी में, चाहे वो लेमोजिन हो, टैक्सी या कोई भी कंपनी हो, अब उनके वीजे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। वो जो पहले जो वीजे बंद थे, चाहे वो आप जॉब चेंज नहीं कर सकते थे, अब वो लोग, वो हजरात अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं जो ऑलरेडी दुबई के अंदर हैं और एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं। और होपफुली मंडे तक, जो ये नेक्स्ट मंडे है, ये वीडियो मैं फ्राइडे को बना रहा हूं तो सैटरडे को ये वीडियो आएगी, तो आगे संडे और मंडे तक उम्मीद है, जो मेरी ऑफिशियल से बात हुई है, जो लोग यहाँ गवर्नमेंट के ये वीजों का काम वगैरह करते हैं, सारा जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहां पे बैठे होते हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जी कि जो हजरत विजिट वीजे के ऊपर दुबई में हैं उनके जो वीजे हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे होपफुली मंडे तक, या कह लें कि नेक्स्ट वीक तक वो लोग जो यहाँ विजिट के ऊपर हैं दुबई में, वो भी अपना वीजा अप्लाई कर पाएंगे, उनके वीजे भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात हो रही है नेक्स्ट, ये जो मंडे आ रहा है यहां से, ये नेक्स्ट वीक में कह लें कि उन लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है कि वो हजरात, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो तो ऐसे ही, हर कोई कोशिश करता है कि यहां से भागें, दूसरे कंट्रीज में जाएं, और दुबई जो था एक सस्ता पैकेज था उन हजरात के लिए कि जो लोग पाकिस्तान से कम पैसों में आके यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी पेशरफ्त, अच्छी खुशखबरी है कि यार अब आप लोगों ने जो इंतजार किया, काफी टाइम हो गया, काफी महीने हो गए कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को होल्ड पे रखा हुआ था, मैंने बहुत से लोगों को यही कहा हुआ था कि यार जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज आप वेट करें मेरी उस वीडियो का। तो यार काइंडली रिक्वेस्ट चाहिए आप लोगों से कि जो लोग बार बार मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो यार एक दफा मैसेज कर दिया, जब बता दिया कि वीजे बंद है, तो लोग फिर भी यार बार बार करते रहते हैं। देखें, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, हम भी यहाँ पे बिजी होते हैं, तो टाइम निकालना बार बार डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तो काइंडली जैसे कुछ आगे नई अपडेट आएगी उन लोगों के लिए कि जो अभी पाकिस्तान में है उनके वीजे कैसे अप्लाई होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो में बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लें। जैसे कोई अपडेट आएगी और ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो वही इंफॉर्मेशन मैं पास ऑन करूंगा आप लोगों को। तो काइंडली वीडियो रेगुलरली देखता रहे। मैंने ये वीडियो लेट इसलिए बनाई थी यार कि काफी बिजी हूं मैं दूसरे कामों में, मतलब पर्सनल कामों में बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो मुझे टाइम ही नहीं लग पाया कि इतने दिनों तक मैं वीडियो पे बनाऊं। तो ये हमारी आज की वीडियो, तो
मैं दोबारा से बता दूं यार कि बार बार मैसेजेस करके जिन जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो काइंडली ना अपना टाइम वेस्ट करें ना ही मुझे डिस्टर्ब करें बार बार। कोई काम पे बिजी होते हैं तो फोकस वहां से हट जाता है, फिर दूसरी तरफ चला जाता है, फिर मैं भी ये इग्नोर करना शुरू कर देता हूं कि यार जब मैंने बताया है कि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को जब वीजे पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो खुलेंगे, तो फिर तो आप बार बार कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर मैं रिप्लाई देना बंद कर दूंगा या फिर तंग आके ब्लॉक ही कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले नई वीडियोस के लिए देखते रहे शहबाज हुसैन द वर्ल्ड की वॉचिंग।